हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सर्दियां बहुत हो रही हैं आजकल, तो आज मैं सर्दियों से ही रिलेटेड कुछ बना रही हूँ। मैं मसाला गुड़ बना रही हूँ, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारा पेट वेट भी ठीक रखता है और ठंड में बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मसाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आजकल सर्दियां बहुत आ रही हैं, ठंडी है, ठंडी में हम गुड़ खाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है, उससे गर्मी भी आती है और हमारा हाजमा भी ठीक होता है। और मैं मसाला गुड़ बना रही हूँ जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें डलेंगी जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होंगी और हमारा पेट के लिए भी अच्छी होंगी और हमारा हाजमा भी दुरुस्त करेंगी। काफी फायदे हैं इस गुड़ के। तो इस गुड़ में कैसे बनाते हैं और क्या करते बताती हूँ। सबसे पहले मैंने गुड़ लिया है जिसको कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कट कर लिए। ये मैंने 3 कटोरी गुड़ ली है, जो नॉर्मल हमारी कटोरी होती है वो वाली ली है मैंने 3 कटोरी गुड़। इसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट घर पे पड़े हैं, जरूरी नहीं कि ये मैं जो दिखा रही हूँ वही डालते हैं। तो इसमें मैंने अखरोट लिया है, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और ये पिस्ता लिए हैं, इस तरीके से मैंने लिए। अब हम इनको छोटा छोटा थोड़ा सा काट लेंगे। इसके अलावा मैंने ये लिए सौंफ और ये जीरा लिया थोड़ा सा और अजवाइन लिया। ये हमारा अच्छा रहता है हाजमे के लिए और भी बहुत सारे फायदे हैं इनके। तो ये सब चीजें मिला के हम गुड़ बनाएंगे और वो गुड़ रोज खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। ठंड में ये खाना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बनाते हैं हम मसाला गुड़। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखिए ये थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया है 1 चम्मच के करीब, सर्दियों की वजह से पूरा जमा हुआ है। थोड़ा इस तरीके से घी लेना और ये देखिए ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिए जो मैंने अभी आपको ड्राई फ्रूट दिखाए थे। अब इनको इसमें डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा, टेस्ट अच्छा लगता है इनका। थोड़ा हल्का सा, ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है। जब खुशबू आने लगे इसकी तो इसका मतलब हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा 2-3 मिनट हम इसको रोस्ट करते हैं। ये देखिए आपका ये रोस्ट हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें मैं थोड़े से ये बीज डाल रही हूँ, खरबूजे के और तरबूज के बीज। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं है। तो वो ये फ्लेवर को बढ़ाने के लिए आप जो भी चीजें ज्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। इसको भी हम कर लेते हैं और इसको हम अब निकाल लेते हैं अलग से। अब इसी कढ़ाई में, वो मैंने निकाल ली है ड्राई फ्रूट, अब इसी कढ़ाई में हम ये जो मैंने तोड़ा हुआ गुड़ था ये डाल देंगे। ये देखिए मैंने गुड़ डाल दिया है, कढ़ाई हमारी पहले से थोड़ी गर्म थी तो ये पिघलना शुरू हो गया है। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब थोड़ा पानी डाल रही हूँ जिससे ये जल्दी से अच्छे से पिघल जाए। अब इसको सिम पे ही बनाना है, तेज आंच पे नहीं करना, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। तो ये सिम पे धीरे धीरे हिलाते हुए इसको पूरा पिघला लेंगे हम। ये देखिए गुड़ पिघलना शुरू हो गया है, इस तरीके से हम सारा पिघला लेंगे इसको। ये देखिए गुड़ पिघल गया ऑलमोस्ट। अब जो बड़े बड़े से डेले से हैं उनको भी हम दबा दबा के तोड़ लेंगे जिससे कि जल्दी पिघल जाए। और इस काम को हमें सिम पे ही करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। और ये देखिए ये मैंने सौंफ, अजवाइन और जीरा लिया था, वो 1-1 चम्मच मैंने इसको डाल दिया है। आप इसको इसी में ही रहना चाहते हैं ठंडा होके तो जैसे मर्जी टुकड़ों में पीस आ जाएगा। अगर आप अच्छे से पीस करना चाहते हैं तो इसको आप एक अलग से थाली में जमा भी सकते हैं। ये देखिए गुड़ बन गया है, अच्छे से पिघल गया है और ये झाग झाग सी आने लगी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए एक आधा कोई डली रहती है तो रहती है, नहीं तो हो गया सारा। अब हमने ये जो रोस्ट किए और ड्राई फ्रूट से ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है और इसको हमने सिम पे ही सारा बनाया है। अब मैंने किस तरीके से ये ऊंचे वाली कढ़ाई ये ली है थाली, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ग्रीसिंग कर देंगे। ये देखिए हमारा हो गया है ये गुड़।
अब हम इस गैस को बंद कर देते हैं और इसको वो जो थाली हमने अभी तैयार की है उसमें हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए अभी हमने थाली तो तैयार की थी, इसके अंदर ही हम इसको पलट देंगे। ये देखिए गरम गरम ही पलटना, ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा और फिर हमारे को इसमें मुश्किल होगी पलटने में। इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है ये, तो इस तरीके से आप बनाइए, खुद भी खाइए दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम इसको इस तरीके से थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरीके से कट लगा देंगे मिठाई की तरह, तो हमारे पास पूरे के पूरे पीसीज आ जाएंगे ये। तो देखिए ये ठंडा होने लगा साइडों से, तो इस तरीके से ये सारा ठंडा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें कट लगा देंगे। ये देखिए हमारा गुड़ बन के रेडी है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही टेस्टी है खाने में। इस तरीके से आप खुद भी बनाइए। ये देखिए इस तरह से पीसेस मैंने निकाल लिए हैं।